और ज़रूरी नहीं होता कि चाइना या ऑस्ट्रेलिया पे मसला सिर्फ खवातीन को, बहुत सारे मर्द भी आते हैं जिनको ये वाला मसला होता है। उसके अलावा स्किन इरिटेशन, For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. I'm Dr. Ashwana Sichima, dermatologist, aesthetic physician and laser specialist. आजकल मैं सर्विस हॉस्पिटल लाहौर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। मेरा अपना सेटअप है एक्सपर्ट स्किन लेजर क्लिनिक जो कि एयरपोर्ट रोड लाहौर पे वाक़ है, बिल्कुल मेट्रो कैश एंड केयर के साथ। एक्सपर्ट स्किन लेजर क्लिनिक पे हर किस्म की जदीद लेज़र मशीनें अवेलेबल हैं और यहाँ पे हम जल्द बालों नाखों की बीमारियों की तशीस और उनका इलाज करते ही हैं। उसके साथ साथ एस्थेटिक्स में चेहरे के फालतू बाल, जिस्म के फालतू बाल, हाई फू जो स्किन टाइटनिंग, स्किन अपलिफ्ट के लिए डबल चिन के लिए है, या कोई छाइयों का लेज़र, फ्रेकल्स के लिए लेज़र, और उसके अलावा PRP, हाइड्रोफेशियल, कार्बन फेशियल, फोटो फेशियल और मीजोथेरेपीज, पीलिंग और इस तरह के सारे प्रोसीजर्स, बोटॉक्स, फिलर्स और थ्रेड्स हम करते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊँगी वो है पिगमेंटेशन, यानी कि चेहरे पर छाइयाँ या स्याहियाँ या किसी किस्म की पिगमेंटेशन आ जाए। आमतौर पर ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं कि जी फ्रेकल्स आमतौर पर भूरे तिल को कहते हैं, छाइयों को नहीं कहते। तो जो फ्रेकल्स हैं उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट की स्विच लेज़र से आप 2 या 3 सेशन में मैक्सिमम 100% क्लियरेंस हो जाती है और सन ब्लॉक आप लगाएं तो मजीद नहीं होंगे। डेंटिजनिस का भी इस तरह है, वो थोड़े डार्क, थोड़े स्पॉट्स होते हैं चेहरे पर। और मिलाजमा जो कि छाइयाँ हैं उनमें आप तो उसके बहुत सारी वजूहत हैं। उसके इलाज के लिए पहले आपको वजूहत को देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा सूरज में निकलने से, सन एक्सपोजर की वजह से, और सन एक्सपोजर ही नहीं कि हम आजकल हमारा सन एक्सपोजर कितना है, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आप कब से स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जितना आपका इकट्ठा सन एक्सपोजर के रिलेटिव डोज में हो चुका है वो आपका है। और क्योंकि उससे जो सेल हमारी जेल पर हैं, सेल मेलानोसाइट्स जो कि जिनके अंदर मेलानिन होता है, उसको प्रोसेस को वो बढ़ा देता है सूरज की जो शुआएँ हैं। उसके अलावा हार्मोनल इन्फ्लुएंस, जैसे कि हमल के दौरान आमतौर पर छाइयाँ बन जाती हैं चेहरे पे, कोई भी हार्मोनल चेंजेस हो, डिस्टर्बेंस हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, तो या कुछ बजाते हुए कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कि इस रंग बनाने वाले सेल को एक्टिवेट कर देते हैं, मेलानोसाइट्स को ज़्यादा मेलानोजेनेसिस पर बढ़ा देते हैं। और उसके अलावा जो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि आपकी खानदान में अक्सर लोगों को है, बहन को है, वालदा को है, या और ज़रूरी नहीं होता कि छाइयाँ या चेहरे पे मसला सिर्फ खवातीन को, बहुत सारे मर्द भी आते हैं जिनको ये वाला मसला होता है। उसके अलावा स्किन इरिटेशन, जैसे कि रंग गोरा करने की क्रीमें लोग बहुत लगाते हैं, जैसे फायजा होगी क्रीम, कोई गोल्डन पर्ल टाइप, बहुत और सारी क्रीम्स हैं जो लोग लगाते हैं, उससे जल्द पतली हो जाती है चेहरे पे, क्योंकि उसमें स्टेरॉयड और मर्करी होता है, तो बाल जो शुरू में रंग बहुत अच्छा होता है लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जल्द पतली हो जाती है। जब जल्द पतली हो जाए तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, खून की नालियाँ नज़र आने लग जाती हैं, दाने चेहरे पर बनते हैं, छाइयाँ बनती हैं, चेहरे पर बाल आ जाते हैं, और स्किन इरीटेशन, स्किन यानी कि इरीटेट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी रिएक्शन फिर छाइयाँ बनने लग जाती हैं, और स्ट्रेस की वजह से अगर आप बहुत टेंशन लेते हैं तो उसकी वजह से भी बन सकते हैं। और हॉर्मोन मतलब डिफिशेंसी जो है, विटामिन B12 डिफिशेंसी, विटामिन C डिफिशेंसी, आयरन की डिफिशेंसी की वजह से भी स्केच भी लो हो, और विटामिन D लेवल्स अगर आप कराएं वो लो हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, इन सब की वजह से भी चेहरे पे छाइयाँ बन जाती हैं। अब ये है कि छाइयों की कितनी इकसाम हैं। कुछ छाइयाँ जो हैं जो जल्द के बिल्कुल ऊपर वाली लेयर में होती हैं, तो वो अच्छे अगर आप सन ब्लॉक लगाएं और अच्छी डीपिगमेंटिंग क्रीम्स रात को डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से नहीं, जो जिनमें स्टेरॉयड और मर्करी हो वो वाली नहीं, तो किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से विजिट करें और फिर आप उनको दिखाएं, तो आपको जो रिकमेंड करें उससे अच्छी तरह विदिन 2-3 मंथ्स के अंदर आपका बहुत अच्छा वो वाली छाइयाँ गायब हो जाती हैं, जो एपिडर्मल जो ऊपर ऊपर वाली तह में होती हैं स्किन के, और जो डर्मल थोड़ी डीप लेयर में स्किन की डीप लेयर में होती हैं वो देखने में इतनी गहरी नहीं लग रही होती, लेकिन क्योंकि वो बहुत नीचे हैं तो जाहिर बात है क्रीम जो उससे वो असर नहीं होगा कि वो क्रीम जल्द के बहुत अंदर चली जाए, तो क्रीम्स भी हम देते हैं, लेकिन साथ साथ अगर बहुत लंबे अरसे से छाइयाँ हैं और हमें पता चल गया है कि ये बहुत डीप है, तो फिर उसके लिए टॉपिकल्स के साथ साथ हमें कुछ प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं। लेकिन जिसको भी छाइयाँ हो, सबसे पहला स्टेप है कि वो सन ब्लॉक लगाएं।
सनब्लॉक लगाने का ये तरीका नहीं है कि बस आप सुबह लगा दिए तो बस सनब्लॉक लग गया. सनब्लॉक एक तो प्रॉपर अमाउंट में लगना चाहिए, ठीक है, और जैसे एक 50 रुपये का सिक्का होता है उसकी तकरीबन उतनी अमाउंट में आप लें, पूरे फेस पे अप्लाई करें और वो आप एवरी 2 to 4 hours रीअप्लाई करना जिनको खासतौर पर छाइयाँ हैं. सुबह लगाए तो कम से कम 12 बजे दोबारा लगाएं. खासतौर पर ये जो पीक आवर्स होते हैं 11, 12, 1, 2 के, जिसमें बहुत ज़्यादा शुआएँ होती हैं सूरज की जो कि मुज़र होती हैं आपके लिए. और उसके अलावा फिर आप हाइड्रोक्विनोन ब्लीचिंग क्रीम्स दे सकते हैं. ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स भी हैं इंटरनेशनल गाइडलाइन के मुताबिक, अभी भी वही सबसे वो मतलब यूज़ हैं. लेकिन क्योंकि हमारी एशियन स्किन में बहुत लोगों को उससे रेडनेस और प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हम और एथैलिक एसिड और कॉजिक एसिड्स और आर्बिट्रिन का मिक्सचर इस तरह की चीज़ें देते हैं. उसके अलावा और बहुत सारी क्रीम्स हैं जिनमें बहुत डिफरेंट केमिकल्स कॉम्बिनेशन है, वो बहुत अच्छी हैं. और उसके अलावा हम साथ साथ ओरल भी देते हैं कि ट्राइजेमिक एसिड के नाम से हम ओरल ग्लूटाथायोन, एंटी ऑक्सीडेंट्स होता है, मल्टीविटामिन्स हैं, और आप जो कोई डिफिशेंसी है वो उसको ट्रीट करें. और जो किसी वजह से अगर वाइटमिन डी की डिफिशेंसी है, किसी का आयरन लेवल कम है, एचबी कम है, हार्मोनल इश्यूज हैं, तो इन सब इश्यूज को एड्रेस करें. और सनब्लॉक अगर सन एक्सपोजर की वजह से सनब्लॉक तो लगाना है, लेकिन उसके अलावा आप बाहर निकले अपना चेहरा कवर करें. हैट पहन सकते हैं, हैट अगर आपको नहीं पसंद तो आप दुपट्टा सर पर लें और अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फुल स्लीव्स कपड़े पहने और ये सारी चीज़ें करें. उसके अलावा आपका कोई ऐसा छाया है जो कि बहुत डीप है और वो क्रीम्स वगैरह से आपको बहुत अरसा हो गया है, नहीं पड़ा, बकती पड़ा है, तो फिर बहुत सारे प्रोसीजर्स भी हैं. उसके लिए हम मेसोथेरेपीज करते हैं, इंजेक्शन, वो दवाइयाँ जो हम डायरेक्ट स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं. क्रीम तक क्रीम्स लगाएं तो उस तरह नहीं पहुँच सकती वो दवाइयाँ. मेसोथेरेपी कर सकते हैं हम. उसके अलावा हम स्किन पीलिंग करते हैं और हम लेज़र्स, क्यू स्विच और पीको लेज़र्स हैं जो कि बहुत अच्छे इफेक्टिव हैं. और साथ साथ हम विटामिन सी सीरम्स और डिफरेंट आपको हेल्दी रखने के लिए ओरल चीज़ें भी आपको हम देते हैं. तो जो सबसे टिप पॉइंट है वो ये है कि मैं आपको जो ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर ये चाहें कि आपकी स्किन हेल्दी रहे और आपको छाइयाँ हो ही ना, तो की पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप हमेशा सनब्लॉक लगाएं, ठीक है, स्पेशली कॉलेज जाने के लोग और उसकी यूनिवर्सिटी वर्किंग वूमेन जो हैं. और सनब्लॉक ये नहीं कि आप कहें कि हम घर में रहते तो हम सनब्लॉक नहीं लगाएंगे. सन की जो रेज हैं वो खिड़कियों से भी आती हैं, और उसके अलावा जो आपका सारा एक्सपोजर है लाइट से है, फायर से है, चूल्हा जलाने से है, तो ये सारा आपका रेडिएशंस और आपका सारा एक्सपोजर, तो आप घर में भी लगाएं क्योंकि घर में भी सूरज की शुआएँ आती हैं, ठीक है. और आप सनब्लॉक लगाएं वो आपको सिर्फ मतलब कि छाइयाँ नहीं होंगी, पिगमेंटेशन नहीं होगी, उसके अलावा आपको एजिंग से भी, आपको बुढ़ापे से भी, कि आपकी जल्दी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, ठीक है, तो डिले हो सकता है उससे. सनब्लॉक लगाएं आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देगा. उसके अलावा ये कि आप 25 or 20 के अराउंड आप स्टार्ट कर दें अच्छे विटामिन सी सीरम्स लगाना, कोई भी इस तरह की डिपिगमेंटिंग माइल्ड जिसमें ट्रेटिनॉइन माइल्ड वाली फॉर्म में हो तो अपनी प्रोटेक्शन करें, ठीक है, मल्टीविटामिन्स लें, एंटी ऑक्सीडेंट्स लें. तो अगर आप पहले से प्रिकॉशंस यूज़ करेंगे, एहतियात करेंगे, सनब्लॉक और इस तरह की क्रीम्स, नाइट क्रीम्स वगैरह अच्छे फॉर्म में, रंग गोरा करने की क्रीम्स नहीं बल्कि इस तरह के सीरम्स और अच्छी मेडिकेटेड जो कि डॉक्टर्स ने रिकमेंड की हो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि सनब्लॉक भी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप होते हैं. ऑयली स्किन वालों के लिए हम डिफरेंट देते हैं, ड्राई वालों के लिए हम डिफरेंट देते हैं. किसी को कोई सूट करता है, स्किन रैश हो जाए, किसी को एलर्जी हो, इस तरह की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. आप डॉक्टर के मशवरे से सनब्लॉक लें, क्रीम्स लें, और आप कोशिश करें कि आपको छाइयाँ हो ही ना, और अगर हो गई हैं तो भी आप टोटके मज़ीद इस्तेमाल करके और उसको मज़ीद ख़राब ना करें, बल्कि अपने किसी भी करीबी, किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें और बर वक्त इनका इलाज करें. बहुत शुक्रिया. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें.